पीलीभीत जनपद में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में आज जिले के कप्तान किरीट राठौर ने एक बड़ा फ्लैग मार्च कर लोगों को शांतिपूर्वक पंचायती चुनाव में मतदान करने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित किया और लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने का काम किया। किरीट राठौर ने जिले के ग्रामीण इलाकों में ये फ्लैग मार्च किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिला पुलिस, पीएसी, कई थानों के पुलिस, सदर, एसडीएम, सदर, सीओ भी शामिल हुए। इसके अलावा सीओ सदर ने भी जहानाबाद, अमरिया और न्यूरिया थानाध्यक्ष और पीएसी सहित जहानाबाद इलाके के अति संवेदनशील इलाकों का भ्रमण किया, साथ ही शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने की अपील की है। वहीं एसपी किरीट कुमार का कहना है कि इन पंचायती चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है और जिले में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव होना है, जो कि 26 अप्रैल को शांतिपूर्वक कराया जाएगा। ये 26 तारीख को जनपद पीलीभीत में ग्राम पंचायत का चुनाव होना है, त्रिस्तरीय चुनाव आयोजित किया जाना है। ये फ्लैग मार्च के थ्रू जो भी वोटर्स है उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि बिना भय के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी के दबाव में आए अपने वोटिंग राइट का ये प्रयोग करें और अपनी इच्छा से अपने जनप्रतिनिधि को चुने। कौन कौन शामिल हुआ है इसमें फ्लैग मार्च में आपके साथ? फ्लैग मार्च में हमें पीएससी का कुछ फोर्स मिला है चुनाव कराने का, वो शामिल है, और सिटी सर्किल के थाने का फोर्स शामिल है, और पुलिस लाइन से कुछ पुलिस बल मिला है, ये सभी लोग शामिल है। सीओ सिटी साहब और एसडीएम साहब भी साथ में मौजूद है।